बल्ला तुम्हारे बुजुर्गान राम राम मेरी मात्र शक्ति और नौजवान शक्ति द्वारा है ही नहीं। वह नौजवान भाई बैठे हैं जिन्हें अपने के अंदर लगना ही नहीं। मैं जिस टाइम पर तालुका चल रहा इस यात्रा के अंदर और मेरे साथी थे कुछ क्रांतिकारी और तनु कह के जाए थे तकड़ा फैसला लिया जाओ जोड़ा गांव में या तीसरी महापंचायत में आया हूँ। जब तक टीओडी लागू करी है उस तीसरी महापंचायत में आया हूँ मैं। हर बार यह बात कही गई है तगड़ा फैसला लिया जाओगा, तगड़ा फैसला लिया जाओगा, तगड़ा फैसला लिया जाओगा। वो फैसला कौन सा लिया जाओ है दोबारा फिर महापंचायत टेक दे फिर उसमें फिर माइक पकड़े बैच बैच झगड़े हैं जिसका है माइक का। मेरा बड़ा कम माइक दिया जाकर घने विरोधी मेरे इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं कड़ुआ बोल जा करूँ सरोत है। जिस टाइम पर सचिन लाठर की माँ देखी मैं रोड पर रोन दिया था मासू आ गए थे उसकी तो बदलाई लड़ाई मेरा मेरा नाम कौन बोल दिया मैं मीटिंग में बोल दिया मैं फलाना बोलना तो बाजू मारता है तो उधर की लड़ाई का इधर लग रहे हैं इन बात का लड़ाई का उधर लग रहे हैं। कौन सा है हमारा बुजुर्ग ने कौन सा ही सरदारी ने नुकया रे पर नौजवान ना लिया उनने जिनका पीड़ा है जिनने छह छह सात दिन ट्रैक पर रेस मारता है उनकी पीड़ा उस गांव लोग का ने गया किसी ने भी किसी ने नहीं गया मोटांडा बता रहे हैं आपसे ना हम 70 बार थे 20 जून में 70 बार कितने हो एक मुट्ठी भर क्रांतिकारी 70 मुट्ठी भर क्रांतिकारी पूरी दिल्ली छोड़ते वो दाम बना दी थी। रक्षा मंत्री का बयान आ जाएगा खट्टर ने भी यह बात कही थी कि नाम लिया करा है मैं दोनों से यहाँ आवेंगे अगर नीवी ने नौकरी दूंगा और आए पास अगले पूछ जाऊँ दे दी जो रिटायरमेंट है ये बड़ा कर दूंगा उन 70 बार का नाम 20 जून में पूरी दिल्ली ला दी थी पूरी दिल्ली चारों तरफ तक प्रयोग करवा दी थी और हमारे उसके बाद में गिरफ्तारी होगी थी मेरे नौजवान भाई जिस दिन 70 अपनी संख्या होगी नहीं उस दिन देखियो के करांगे। हाँ भाई अब सबसे बड़ी बात मेरे बुजुर्ग का हाथ जोड़ गए बीस में अगवानी कर लो सुनकी में कर लो मगर उन नौजवान ना दूर स्टेज पे चढ़ा उनकी पीड़ा दूर दिखाओ लोग ने हकी भाई की पीड़ा के है। दूसरी बात मगर नौजवान क्यों को नहीं आते नौजवान सोए पड़े हैं नौजवान का पैर बंद कर दे नौजवान चूड़ी पैर दो नौजवान को चूड़ी पैर दो माई का तस्का कम कर दो नौजवान को वहां आ जाएंगे आड़े कम से कम संख्या 70% घटी 30% रह रही है क्योंकि जो ज्ञान देने नहरे नहरे आवे नहीं अरे ज्ञान को चंदा विषय फैसला चाहिए है अगर ये फैसला करने की हिम्मत हो तो कर दो नहीं फिर हमारा फैसला होगा 10 दिन बाद ऐसा क्रांतिकारी फैसला होगा पूरा देश देखा उस फैसला में। और मोदी से भी इनको तो माफी माफी में काम चल गया था वो फिर गुआउन तक नहीं रहा मेरे बुजुर्गो फैसला ले लो कभी फिर कड़िया फार्म पर क्यों पुरानी जगह अपन जाए अच्छा महाराज जुगाड़ को अपन जाए तम जाने का फैसला सुन आए हाँ अगर ये फैसला आता तो ठीक है जे नहीं होता हो मार पर जोन सी बनाई जुगाड़ कर देंगे महाराज मार तुम्हें कड़िया निकल जाए यहाँ जैसे हम 70 दिन की तरफ दौड़े जब हम गिरफ्तार करे गए 70 बार उस टाइम को ऊपर मार गए जल्दी से लगवा लगाए गए ये तो बात का मरवाओगे ये तो बात का कटवाओगे जबकि ना मैं बात करवाए ना हम बात करवाए ना किसी का मुकदमा लगवा शांतिपूर्ण तरीका जिस तरह किसान दोनों के अंदर दिल्ली कब्जा ही थी चारों तरफ तक शांतिपूर्ण तरीका देख भी हम दिल्ली ने कब्जा इसका जरा हमने पुलिस प्रशासन नहीं रखा और आराम से बैठ जाएंगे मेरी जो राय है मेरी निजी राय यह है और नौजवान भी जुड़ेंगे बुजुर्ग भी जुड़ेंगे। एक तीसरी बात भाई मेरी आखिरी बात मामले क्या उनसे मेडल वापिस करवाए थे सेना के जो एक सर्विसमैन है आर्मी के उनके जो मेडल वापिस करवाए तीनों जो सी मारी सेना है उनके प्रमुख से अध्यक्ष संघ के उनके बयान आए उस टाइम पर नकली पक्षी है सुया हरवा है रक्षा मंत्री का बयान आ था दिव्या को पटभेट चली थी उनके ऊपर जो हमारे जो फौजी भाई इनके भी हाथ जोड़ के मृत्यु भाई जिन्हें सेना के अंदर मेडल मिल रहे हैं वो अब सरकार ने उन उल्टे एकदम मुंह पर मारा काम करो। और मेरे बुजुर्गों को ये बात याद कहूंगा उस माँ की पीड़ा देख लो सचिन माँ की सचिन लाठर की माँ की पीड़ा देख लो इस मारी ताई की पीड़ा देख लो अगर जो नोअल राई गणेश चर्चा को पर आएगा ना आज से 10-20 सारे युवा खड़े यहाँ गवीन पांडे हैं युवा ने चाहिए फैसला और तगड़ा फैसला जो तगड़ा फैसला होता तो ठीक है जो नहीं होता तो हम तगड़ा फैसला भी करके दिखाओगे नौजवान इस हरियाणा के इस देश के तगड़ा भी फैसला करके दिखाओगे। तो भाई सर राम राम जय हिंद जय भारत जय जवान जय किसान।